अस्सलाम वालेकुम सलाम मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। आप मुदारस को आना पसंद करेंगे? जी मैं हनान अहमद हूँ। अच्छा, हमारे दरमियान मैं आपके बारे में कुछ मालूम हासिल करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप दावन करेंगे। जी हमारे दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी तो सीधा राज में रखी हुई है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 30 साल। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रावलपिंडी। आप क्या काम करते हैं? मैं बैंक मैनेजर। और आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है? आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा। आपकी पैदाइश नॉर्मल थी? जी। आपने चलना, बैठना और बोलना कब शुरू किया था? मेरे ख्याल से 6 महीने की उम्र में बैठना, मतलब कि आपके ख्याल से कि आपने नॉर्मल शुरू कर दिया था। आपके आपके अपने ताल्लुकात वालदैन के साथ किस तरह के थे? अच्छे, प्यार मोहब्बत वाले थे। ज्यादा उनसीयत किसके साथ थी? अम्मी के साथ। और घर में कोई मारता था आपको? छोटे होते कभी किसी ने आपको मारा हो? एक दो बार। और आपके अपने बहन भाइयों के साथ कैसे ताल्लुकात थे? अच्छे थे। अच्छा, और आप बचपन में किस तरह के बच्चे थे? शर्मीले थे, बातूनी थे या फिर बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाले बच्चे थे? मैं अपने काम से काम। आपके बचपन का कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी शख्सियत पर कोई गहरा मनफी असर छोड़ा हो? बचपन में कोई ऐसा वाकया हुआ? आपने स्कूल किस उम्र में जाना शुरू किया था? 5 साल। और आप किस तरह के तालिबे थे? आप बहुत अच्छे तालिबे इल्म थे, कोई एवरेज से नॉर्मल से तालिबे इल्म थे या बहुत ही कोई अच्छे तालिबे इल्म थे? मतलब कोई आपको इस तरह की कोई मुश्किल तो नहीं दरपेश होती थी कि आप ए को बे लिख दें, बे को पे लिख दें, डी को बी लिख दें या बी को डी लिख दें? नहीं। अच्छा, और आपके अपने टीचर्स के साथ कैसे ताल्लुक थे? काफी अच्छे। लेकिन कभी टीचर ने आप कभी हाथ तो नहीं उठाया था? कभी आपकी पिटाई हुई हो स्कूल में? कभी कमी हुई होगी, कोई शरारत की तो पता नहीं। अच्छा, और आपके अपने क्लास फेलोज के साथ कैसे ताल्लुक थे जो आपके साथ पढ़ते थे? ताले में बहुत अच्छे। और आप गैर में सभी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे? बहुत ज्यादा नहीं, कम कम लेते थे। और आपने अपने तालीमी दौर में कितनी बार स्कूल तब्दील किया? एक बार। क्यों? मुल्तान से इधर रावलपिंडी। अच्छा, तो आप मुल्तान से रावलपिंडी आ गए थे, इसलिए आपको स्कूल तब्दील हो। जी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आपने बताया आप बैंक मैनेजर हैं, तो आप अपने इस काम से मुतमईन हैं? जी मैं मुतमईन। आपको अपने काम पर कोई आपको ज़हनी दबाव या तनाव महसूस होता है अपने काम की वजह से? जी थोड़ा बहुत, काफी काम होता है। अच्छा, और आप अपनी आमदनी से मुतमईन है कि मतलब कि जितनी आपको? अच्छा, आपके साथ जो काम करते हैं लोग उनके साथ आपके ताल्लुकात किस तरह के? अच्छे। और आपने कितनी बार अपनी जॉब तब्दील की है, मतलब या शुरू से आप बैंक मैनेजर ही हैं? एक बार। क्यों की थी तब्दील और पहले क्या थे? ऐसे ही मुझे ये जॉब ज्यादा बेहतर थी और उससे पहले मैं अकाउंटेंट था, बाद में बैंक मैनेजर। जब उनका प्रमोशन मिली तो आपने सोचा कि आप जॉब तब्दील करो? जी। अच्छा, आप बलूगत की उम्र कब पहुंची? 13 साल। 13 साल। अच्छा, क्या आपकी कभी किसी से जज्बाती वाबस्तगी रही है? नहीं, कभी भी नहीं। आपकी अपनी बीवी से कैसे ताल्लुक? अच्छे। आपके बच्चे कितने हैं? दो। और मतलब कि कितने बेटी और कितनी बेटी? एक बेटा है। एक बेटा है, बेटी। और दोनों के साथ कैसे ताल्लुक है आपके? दोनों में से बहुत पसंद है, बहुत अच्छे था। अच्छा, और क्या आप इन्हें एक से ज्यादा शादियां की हैं या आपकी एक ही शादी? एक ही शादी। आपके मुआशी हालात कैसे हैं, मतलब कि आमदनी और खर्चे में कोई ज्यादा बड़ा फर्क तो नहीं है? और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं आप? नहीं। आपके खानदान वालों के साथ कैसे ताल्लुक हैं, जो आपके खानदान में रिश्तेदार हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, उसके अलावा कैसे ताल्लुक हैं आपके? काफी अच्छे, मतलब कि लोग आपको पसंद करते हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या आपकी जिंदगी में हाल ही में कोई बड़ी तब्दीली आई है? नहीं।
आपने कभी कोई नशावर चीज इस्तेमाल की है, जैसे सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गया, नुस्वार हो गई, हुक्का हो गया, शीशा हो गया, या पान हो गया तंबाकू नहीं, वाला? अच्छा, क्या आप कभी किसी किस्म के जुर्म जुर्म में मुलव्वस रहे हैं? कोई मुकदमा आपके खिलाफ कभी हुआ है? कभी जेल में गए हो? अच्छा, आपके खानदान में कोई जायदाद पे इख्तलाफात तो नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, कभी कोई इख्तलाफ हो गया हो जायदाद के मामले खानदान में? अच्छा, अब आपके मुताबिक आपको क्या मसला है? मुझे जहनी बीमारी। जहनी बीमारी है। अच्छा, और आपके मुताबिक आपको मतलब ऐसी क्या वजह हो सकती है आपको जहनी बीमारी? ये मुझे सही नहीं पता, लेकिन फिर मैं भी परेशानी मतलब परेशान में काफी होता हूँ। परेशानी अच्छा, परेशानी परेशानी मतलब कि तनाव आपको काम की वजह से है या अपनी जिंदगी के आम मामूलात की वजह से है? किस वजह से आपको परेशानी है? शायद काम की वजह से भी है और शायद जिंदगी के मामला की वजह से। और आपके मुताबिक अब इस बीमारी का इलाज क्या होना चाहिए? दवाइयाँ भी हो सकती हैं और अपने जो जो चीज़ें मुझे परेशान करी हैं उनसे बचना भी शायद। अच्छा, क्या आप लोगों में घुलना मिलना अच्छा लगता है आपको लोगों में, या आप तनाव पसंद है कि आप अकेले बैठ जाते हैं? नहीं, दोनों ही दरमियान में, लेकिन आप घुलना मिलना भी पसंद बहुत करते ज़्यादा हैं? नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छा तनाव नहीं। अच्छा आप अपने गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? लेकिन जब आप गुस्सा आते हैं तो आप क्या करते हैं? जी अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही और आपको उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो आप क्या करेंगे? मैं उस चीज से दूर चला जाता हूँ। अच्छा, आपको किसी की मदद दरकार नहीं होती जब आप कोई मुश्किल या परेशानी का सामना होता है तो आप किसी की मदद दरकार होती है? आप नहीं किसी की मदद नहीं मांगते हैं? नहीं अच्छा, आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, आपके क्या मशागले हैं? वॉक पे जाता हूँ, वॉक कर। रोजाना का मामूल है आपका ये? मुझे इतना टाइम नहीं मिलता रोजाना, जब वक्त मिलता है जी, तब। आपने बताया कि आपके लिए मुश्किल होता है काम, आपका काफी जी तनाव वाला है। अच्छा, आपकी कोई ऐसी खूबी या ऐसी खामी, ठीक है, जिससे आप मुनफरिद होते हैं बाकी लोगों से, कोई ऐसी खूबी या खामी? मेरा नहीं था। अच्छा, आप मुझसे कोई सवाल करना चाहेंगे? मैंने साहब जैसे सवाल कर लिया, आप भी मुझसे सवाल करना चाहेंगे? कब तक ठीक हो जाऊंगा? उम्मीद है कि जल्द फाका होगा। मैं अभी और माहिदीन हैं डॉक्टर्स जिनके साथ मैं अभी मुशावरत करूंगा और फिर इंशाल्लाह आपको अगली मुलाकात में आपको इस तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह करूंगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जी ठीक, अल्लाह। थैंक यू।